नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूं आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए जुलाई 1 का खास पार्ट। डॉक्टर्स को अक्सर हमारे समाज में भगवान जैसा दर्जा दिया जाता है। समाज में डॉक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे रोगियों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। बीमारी या किसी भी चिकित्सकीय स्थिति से तेजी से ठीक होने में सहायता करते हैं और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। हम उनके अथक प्रयासों और योगदान का सम्मान करते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान का सम्मान करने के लिए भारत में डॉक्टर्स डे की स्थापना 1 जुलाई 1991 को हुई थी। उन्होंने अनगिनत लोगों का इलाज किया और लाखों लोगों को प्रेरित भी किया। डॉक्टर रॉय के नेतृत्व में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को 1 जुलाई को उनकी उपलब्धियों और भावनाओं को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। 1 जुलाई को उनके पुण्यतिथि और जन्मतिथि दोनों ही होते हैं। डॉक्टर रॉय सभी लोगों को वहनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति समर्पित थे। उन्होंने जादवपुर टीवी अस्पताल, चितरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन और चितरंजन कैंसर अस्पताल जैसी कई सुविधाएं स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1926 में उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए चितरंजन सेवा सदन की स्थापना की, जिसे कई लोग उनकी सबसे उत्कृष्ट उपलब्धियों में से एक मानते हैं। 4 फरवरी 1961 को उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था। 1976 में बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना स्वास्थ्य विज्ञान, सार्वजनिक मामलों, दर्शन, कला और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए की गई थी। डॉक्टरों से संबंधित कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे डॉक्टर मरीजों को समझा कर थक चुके हैं कि गूगल करने से ना तो दवा सीखी जा सकती है और ना ही इंटरनेट पर अधूरा ज्ञान प्राप्त करके अपनी बीमारी और उपचार को समझा जा सकता है। डॉक्टर भी नश्वर मनुष्य है, जिनका किसी व्यक्ति के जीवन और मृत्यु पर अंतिम नियंत्रण नहीं होता है। बहुत सारे डॉक्टर कॉफी के आदि होते हैं। यह आदत आमतौर पर मेडिकल स्कूल के दिनों में लंबे समय तक अध्ययन करने और अपर्याप्त रूप से सोने के कारण हो जाती है। अधिकतर डॉक्टर डॉक्टरों से ही शादी करते हैं, क्योंकि उन्हें शायद ही कभी अन्य क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत करने का समय मिलता है। भारत में डॉक्टरों को डॉक्टर साहब कहना और कहलाना पसंद है, जो उन्हें इस पेशे को अपनाने के अपने फैसले से खुशी देता है। और अंत में, क्या आप जानते हैं, 1 जुलाई 1879 को भारत में पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी और 1 जुलाई 1881 को दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कॉल कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुई थी।